हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? होप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आपकी जारी होगी। कल क्लास 1 घंटे की हो गई थी और सभी बच्चों ने मन लगा करके देखा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कैसी आपको क्लास लगी, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक ना? और इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और बेहतर करने का। ठीक, यदि कोई कमी है, कोई चीज़ सुझाव है आपका, तो वो भी ज़रूर बताया करिए, उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है? जिससे और अच्छी क्लासेस आपके लिए हो पाएँ। फिलहाल वीडियो को शेयर मैक्सिमम लोगों तक कर दिया करिए, ठीक है? और लगे रहिए हमारे साथ मन लगा के। चलो बच्चों, तो कल हम बात कर रहे थे जेंडर की, द नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड द जेंडर। आज हम उसी कड़ी में आगे चलेंगे, नाउन एंड द जेंडर। कल हमने कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट रूल्स देखे, जिसमें से एक रूल था जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ जो बहुत डेलिकेट होती है, कोई चीज़ जो नाजुक होती है, ठीक है ना, उसके लिए हम हमेशा शी का यूज करते हैं, यानी कि फेमिनाइन जेंडर में वो आता है। जैसे कि मैंने बताया था मून हो गया, ठीक है, मैंने बताया था स्प्रिंग हो गया, ठीक, सीजनों में स्प्रिंग हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं फीमेल जेंडर में, फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। तो एक गायत्री बच्ची है, वो बार बार एक चीज़ को पूछ रही थी, कमेंट कर रही थी कि सर जेलेसी, जेलेसी के लिए क्या बोलेंगे। तो वहाँ पे मैं नहीं बता पाया, ठीक, लेकिन मैं उसको बता देता हूँ यहाँ पे। जेलेसी बच्चा हमेशा शी होती है, ठीक है, यानी कि फेमिनाइन जेंडर में आता है। जितनी भी इमोशंस होती हैं, चाहे वो जेलेसी की हो, चाहे एंगर की हो, ग्रीड की हो, हैप्पीनेस हो, ठीक ना, तो जितनी भी इमोशंस वाली चीज़ें होंगी, जो कहीं ना कहीं भावनात्मक परिदृश्य में आती हैं, भावनात्मक हैं, तो याद रखो इन सभी के लिए हम हमेशा शी का यूज करते हैं। अब आप इसको जेलसी को कठोर नहीं लेंगे, ये केवल एक मन की भावना होती है, बस और कुछ नहीं है। तो इसलिए इसको हम नाजुक ही लेते हैं और डेलिकेट या फ्रेगाइल मानते हैं, बस इसीलिए इसके लिए शी का यूज करते हैं। चलो अब आज की कड़ी में आगे जस्ट इसका अपोजिट रूल बताने वाला हूँ। मैंने हल्का सा हिंट दे दिया था कि वो चीज़ें जो डेलिकेट या नाजुक होती हैं, उनके लिए हम फेमिनाइन जेंडर का यूज करते हैं, ठीक है, जो हार्ड और हार्श होती हैं, उनके लिए हम किसका, मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं। तो आज देखते हैं कुछ मैस्कुलिन जेंडर वाले वर्ड्स, ठीक है। लिखिए रूल, रूल नंबर 5, ठीक है, 4 तक कल कंप्लीट किया था, मुझको याद आ रहा है। चलिए, सम वर्ड्स दैट आर हार्ड एंड हार्श आर कॉल्ड और कॉल्ड मैस्कुलिन। जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर में हार्श और हार्ड चीज़ें जितनी भी होंगी बच्चों, वो आएंगी, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लें अच्छे से हम। मैंने बोला था सन, द सन, सूर्य, आप जानते हो चंद्रमा के प्रकाश में सो सकते हो लेकिन सूर्य के नहीं, तो द सन है, तो ये जो द सन होगा ये ही में आएगा, शी में नहीं। जबकि मून हमेशा शी में आएगा, ही में नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, टाइम, डेथ हो गया, विंटर हो गया, समर, ठीक है, विंड हो गई, हवा, ये सब हार्स हैं बहुत ज़्यादा, देखोगे ये, ठीक ना, थंडर, ओसन, लव, थंडर, लव, ठीक। अब यहाँ पे लव पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं खुद ही बता दूंगा अभी। वॉर और वाइन, वॉर, वॉर हो गया और वाइन हो गया, एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हार्श वर्ड्स में आते हैं, ठीक ना, इसलिए इनके लिए ही का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आपके मन में जो चीज़ें चल रही होंगी,
क्योंकि अभी जस्ट पहले मैंने बताया कि जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस के लिए आप क्या यूज करते हो, शी का यूज करते हो, तो सर लव भी तो एक इमोशन है, इसके लिए आप ही का यूज क्यों करोगे, पहला क्वेश्चन बनेगा आपके मन में। सेकंड क्वेश्चन एक और बनेगा कि सर लव तो डेलिकेट और नाजुक में आता है, तो उसको हार्श आप क्यों बोल रहे हो, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर समझो। एक्चुअली लव जो होता है, जिसको आप बहुत नाजुक समझते हो, ये प्यार नाजुक और आसान ही है, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सबके बस की बात भी नहीं है, ठीक है ना। लव अभी यहाँ पे मैं टॉपिक नहीं खोलने वाला हूँ ये क्या है, बस अर्थ ये समझ लो, माँ से यदि आप अपने प्रेम करते हो तो आप उस बंधन को, आप अपने बहन से भाई से प्रेम करते हो तो उस बंधन को, उस प्यार को आप नाजुक नहीं कह सकते हो। क्या आप कह सकते हो कि आपके भाई और बहन का प्यार नाजुक है? क्या आप कह सकते हो कि आपके माँ और बेटे या बेटी का प्यार नाजुक है, टूट सकता है? ना, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ के नहीं? तो जो रियल बॉन्ड ऑफ लव होता है, जो रियल लव होता है, जो वास्तविक प्रेम होता है, ये बहुत मजबूत होता है। आई बात समझ नहीं है? प्यार हमेशा बहुत मजबूत होता है। तो पहली चीज़ तो उसको डेलिकेट कहना छोड़ दीजिए, डेलिकेट नहीं है, क्लियर होगी बात? नहीं, हार्श में आएगा, हार्ड में आएगा, कठोर में आएगा, बहुत स्ट्रेंथ और मजबूती में आएगा, इसलिए स्ट्रेंथ की बात की जाती है। यहाँ पे हम एक वर्ड की यूज करेंगे, स्ट्रेंथ की, ठीक है ना। इसमें आप लिख सकते हो स्ट्रेंथ, जितने भी पावरफुल वर्ड्स होते हैं, पावरफुल वर्ड्स, एनर्जी जिससे मिलती है, ठीक है ना, ये सब के सब स्ट्रेंथ और एनर्जी शो करने वाले वर्ड्स, ठीक है। द वर्ड्स showing strength and energy, ये दोनों टाइप के वर्ड्स इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो harsh और hard का मतलब आप नेगेटिव मत लीजिएगा, इसका मतलब होता है कि जिस वर्ड से स्ट्रेंथ, ताकत का पता चले या एनर्जी का पता चले, इन सभी वर्ड्स को हमेशा ही मानेंगे। तो लव समझ में आ गया कि नहीं? अब जहाँ तक बात इमोशन, तो सर ये भी है, इमोशन के लिए शी नहीं बेटा, इमोशन भले है लेकिन देखोगे मजबूत बहुत इमोशन है, ये इमोशन बहुत ज़्यादा मजबूत। जेलिसी में इतनी ताकत नहीं होती, वो नेगेटिव वर्ड्स हैं, जेलिसी में ताकत नहीं होती, ग्रीड में ताकत नहीं होती, लालच में ताकत नहीं होती, इन सब में ताकत नहीं है, फ्रेगाइल है, डेलिकेट हैं सब वर्ड्स, इमोशन है। आई बात समझ दो, इसलिए उनके लिए शी का यूज होगा। क्लियर हो गया होगा आई होप को, लव को लेकर के, और आप जानते ही हो, ठीक है। अब वहाँ पर देखो बहुत मज़ेदार यहाँ पे कहानी, अगर आप देखो तो जस्ट पहले वाले लेक्चर में जब मैंने बताया था आपको कि बेटा स्प्रिंग हमेशा शी होती है, स्प्रिंग हमेशा शी होती है, जबकि देखो विंटर और समर यहाँ पे ही है, गर्मी और ठंडी, क्यों? क्योंकि ये हार्श और हार्ड होते हैं। आई बात समझ नहीं? ज़्यादा गर्मी में आप पिघल जाते हो और ज़्यादा ठंडी में आप जम जाते हो, यानी ज़्यादा गर्मी पड़ी तो प्रॉब्लम और ठंडी पड़ी तो प्रॉब्लम, लेकिन स्प्रिंग का महीना ऐसा होता है ना, उसमें ज़्यादा गर्मी होती है ना उसमें ज़्यादा ठंडी होती है। आए बात समय के नहीं? तो बहुत अच्छा मौसम होता है, सुहावना जिसे मौसम, प्लेजेंट सीजन बोलेंगे, तो वो क्या कहलाता है? स्प्रिंग का, इसलिए स्प्रिंग के लिए शी का यूज किया जाता है। क्लियर होगी बात कि नहीं? विंड की जहाँ तक बात करो, बिल्कुल बिल्कुल समझ लो, विंड ताकतवर बहुत ज़्यादा होती है, हवाओं का प्रेशर इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए हार्श में आएगा या स्ट्रेंथन में आएगा। सन आप जानते ही हो, टाइम से कौन लड़ सका है दुनिया में? कोई नहीं लड़ सका, ठीक ना। टाइम हमेशा एक गति में चलता है, टाइम के साथ किसी प्रकार का आप बदलाव नहीं कर सकते हो, आप बदल जाओगे लेकिन समय नहीं बदलेगा। घड़ी की सुइयां कभी रुकते हुए आपने देखा नहीं होगा, आप कहते सर सेल निकाल लिया जाए, तो वो एक अलग कंडीशन है, तब भी समय नहीं रुकेगा, आपके घर वाली घड़ी रुक सकती है, ठीक है ना, लेकिन समय नहीं रुकेगा, समय चलता ही रहेगा, क्लियर हुई बात नहीं? तो टाइम भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत चीज़ें होती हैं। डेथ है, कोई रोक नहीं सकता इसको, डेफिनेट है लेकिन इनडेफिनेट है, डेथ डेफिनेट है लेकिन इनडेफिनेट है, होगी ये पक्का पता है सबको, हमको आपको सबको पता है, लेकिन कब होगी ये चीज़ नहीं पता है। तो ये डेथ है क्योंकि ये 100% श्योर है, श्योरिटी इसके साथ आनी ही आनी है, तो इस कंडीशन में इसको हम स्ट्रेंथन या बहुत मजबूत चीज़ बोलते हैं, जिसके कारण ये ही में आ जाता है। तो बोलते नहीं हैं, एक बहुत अच्छा वर्ड है, आया था विलियम शेक्सपियर के एक ड्रामा से आया था, उसमें बोलता है कि ये आपका मैकबेथ का तो है, मैकबेथ आपने पढ़ी होगी यदि BA Part 2 में, ठीक है ना। तो मैकबेथ
में बोलता है कि डेथ लाइज हिज आईसी हैंड, डेथ ने मेरे ऊपर अपने आईसी हैंड को, तो हिज लगाया है वहाँ पे वर्ड, देखो डेथ के लिए हिज का यूज किया गया है, ना कि हर का यूज किया गया है। आई बात समझ कि नहीं, तो डेथ किस में आएगा, मेल में आएगा, ना कि फीमेल मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। आई थिंक सब क्लियर कर दिया मैंने। थंडर, थंडर का मतलब क्या होता है, बिजली की कड़कड़ाहट, आप जानते ही हो, बहुत लोग का दिल दहल जाता है सुन करके, ठीक है। तो काले मेघा पानी तो बरसाओ, ठीक है। तो थंडर है, तो थंडर भी बिजली की चमक है, कठोर होती है, कड़क होती है, सिंपल सी बात है, ये भी हार्श में आएगा, ही आएगा। ओशन, इसका कोई अथान था, अथाह कोई था नहीं है, लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। आई बात समय, तो उस कंडीशन में भी हार्श में आएगा, ठीक है। वाइन, वार तो आप समझ गए होंगे, वाइन, वाइन की जहाँ तक बात करोगे तो वाइन जो होती है, शराब जो होती है, ठीक है ना, ये भी किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ को गला करके बनाई जाती है, तो ये किसी भी चीज़ का एक्सट्रैक्ट होती है जो बहुत ज़्यादा गला करके हार्श, वही नॉर्मल सी बात है, आप जानते हो अल्कोहल को किस तरह होता है, बहुत हार्श होता है, अंदर के लीवर वीवर को सब गला के रख देता है। तो उस कंडीशन में भी देखोगे तो ये नेगेटिव भी है प्लस हार्श भी है, इस कंडीशन में इसके लिए भी ही का यूज किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, बताओ ये सेंटेंस सही गलत है। द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, बताओ ये सेंटेंस सही गलत है, जल्दी कमेंट करो, क्विक बच्चा पढ़े, आंसर तुरंत आना चाहिए। डेथ ऑलवेज नोन हर विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोन डेथ ऑलवेज नोन हिज विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोन हिज विक्टिम, जल्दी बताओ ये सही गलत है, दोनों बताइए। पहला वाला सही गलत है, बहुत सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, पहला वाला सही है, ये सही है, दूसरा बताइए, क्विक आंसर करिए तुरंत, हाँ मैं देख रहा हूँ, और जल्दी 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 करो, गुड वेरी गुड। ये यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हिज लगा हुआ, ये गलत है, क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए, हिज होना चाहिए, सही है कि गलत है, जल्दी बताओ ये सही गलत है, सही एक्चुअली हिज ही होना चाहिए, डेथ के लिए हिज का यूज होगा, सही है, दोनों सेंटेंसेस सही थे हमारे। चलिए आगे चलें, चलिए रूल नंबर 6 में आइए, बहुत मजेदार रूल है। चलिए रूल नंबर 6 में आइए, 6, चलिए इसको समझाने के पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको। एक्चुअली ये बताइए आप लोग, आपको पता है हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप देखेंगे पुरुष प्रधान समाज में था, ठीक, पुरुष, ये रूल नंबर 6 बोलता है कि पुरुष प्रधान समाज में था, यानी कि पुरुष वर्ग को, केवल इंडिया की बात नहीं हो रही है, ठीक ना। आप लोग पहली चीज इसको मन से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि ये पुरुष प्रधान जो देश, ये केवल इंडिया था, ऐसा नहीं है, ये हर जगह की बात है, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह, ठीक ना, कहीं ना कहीं जो है मर्दों को, पुरुष वर्ग को
आगे आने का ज़्यादा मौका हमेशा से ही मिला, ठीक ना। हर चीज़ में वही लिपिल 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 लिप करते थे, ठीक ना, हर चीज़ में लिपलिपाते रहते थे आगे चल के। तो ये सोसाइटी की पहले से ही सोच थी हमारी। आज भी अगर इंडिया की बात करोगे स्पेशली, तो इंडिया में राजस्थान जैसे कुछ पिछड़े हुए ऐसे इलाके हुए हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा अभी भी औरतें काफ़ी दबी हुई हैं, काफ़ी दबी हुई हैं, ठीक ना। देखो मैं, मेरा क्या मानना है, मेरा मानना ये है कि इंसान तो दोनों हैं, ठीक ना, इंसान चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों का हक बराबर होना चाहिए। समानता का अधिकार यदि आप बात करते हो तो दोनों समान हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अगर आप कभी बोलें कि हमारी लड़की, ठीक है ना, किसी लड़के से कम है क्या, ये कहकर के आपने ये तुरंत तुलना कर दी, एक्चुअली पहली चीज़ तो समाज से इसी को हटा देना चाहिए, ये तो तुलना करने वाली चीज़ है ना, ये तुलना हटा देनी चाहिए। जब इक्वल हैं दोनों की, तुलना की कोई बात ही नहीं रहेगी, लेकिन तुलना की जाती है, ठीक है ना। हम अपने लड़कियों को लड़कों जैसा ही मानते हैं। व्हाट इज़ दिस, आप ये क्या बोल रहे हो, आप तुलना कर रहे हो यहाँ पे कि लोग नहीं मानते लेकिन हम मानते हैं। यदि आप अपने घर में मानते हो तो आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल अधिकार दीजिए उनको। जितना लड़कों को अधिकार मिला है उतने ही लड़कियों को अधिकार दीजिए, अधिकार का राइट दीजिए, दैट्स इट, ठीक है ना। आए बात समय नहीं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अक्सर पेरेंट्स ही क्या करते हैं, तुरंत अपने घर में शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए वो तुरंत कंपेरिजन करने लग जाते हैं लड़कों में, आए बात से लड़कों और लड़कियों में। तो ये गलत भावना है। तो ये समाज में आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। अब तो बहुत अच्छा हो रहा है सिचुएशन, अब बहुत अच्छी सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत दिन से चला आ रहा है। तो होता क्या था कि जब ये शुरू में अवर्ड्स वगैरह आ रहे थे तो सोसाइटी से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। इंग्लिश के जितने शब्द होंगे या हिंदी के जो शब्द होंगे, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से, आपके समाज से प्रभावित तो होते ही हैं, ठीक ना, लोगों के मुंह से निकलते हैं, सिंपल सी बात है। तो सोसाइटी के, समाज का जो प्रभाव है शब्द में भी देखने को मिला। तो कुछ काम ऐसे थे बच्चों जो हमेशा 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 पुरुष वर्ग ही करते थे, तो उन वर्ड्स के लिए हमेशा अब मैस्कुलिन वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक ना, उनके लिए फेमिनिन नहीं। जबकि अब उसमें औरतें भी आने लग गई हैं, लड़कियां भी आने लग गई हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि शुरुआत में, शुरू के दौर में वो पुरुष के लिए ही केवल बनाए गए थे काम, तो इसलिए उन सारे के सारे कामों को, उन सारे के सारे नाउंस को केवल मेल वर्ग के लिए ही रखा गया। आए बात समय कहीं, अब वो सिचुएशन अलग हो गई है कि उसमें लड़कियां भी आने लगी हैं, लेकिन वो वर्ड्स अभी भी मेल के ही हैं, मैस्कुलिन जेंडर में ही आते हैं। तो सम नाउंस आर ऑलवेज मैस्कुलिन, या इस तरह लिखो, ड्यू टू सोसाइटी विजन, सामाजिक कारणों के कारण, सोसाइटी विजन, सम वर्ड्स आर ऑलवेज इन मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही वर्ड्स हैं, पांच छह तो। जैसे शूमेकर, ठीक है, शूमेकर ये जो वर्ड है, जूते बनाने वाला, यानी कि मोची, कैबलर भी इसको बोलते हैं, तो मोची वर्ड जो है, ठीक है ना, शूमेकर अगर आप बोलोगे तो देखो यहाँ पे मेकर वर्ड का यूज किया गया है, बनाने वाला, ठीक है। तो ये वर्ड हमेशा मेल डोमिनेंट है, यानी कि मेल के लिए यूज किया जाता था पहले, इस काम को केवल मेल ही। आज भी आपको ज़्यादातर 99% जो है युवा और यूथ, यानी कहने का मतलब है आप मेल, ठीक है ना, मेल वर्ड आपको देखने को मिलेगा इस काम में, मोची में। कभी देखा है कि किसी रोड के किनारे कोई लड़की बैठ करके जूते का काम कर रही हो? नहीं। तो ये सोसाइटी के कारण हुआ है, ठीक ना, कि केवल लड़के ही करते थे इस काम को, इसलिए अब ये मत कह देना लड़के इसी काम के लिए बने ही हैं, ठीक ना, वही करें, ठीक ना, हम जूते वूते नहीं सिलने वाले हैं सर, ठीक। तो वो कल कहानी है, पहले इस काम को लड़के ही करते थे, इसलिए उनको ये समर्पित कर दिया गया। आज तक ये वर्ड जो है ये मैस्कुलिन जेंडर में ही आएगा, ठीक है, कोई किसी की बेइज्जती ना करे। चलो दूसरा, बेकर, रोटी पकाने वाला। अब तुम जाके घर पे बोलोगे
ठीक है ना, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे कहानी। बेकर मतलब रोटी पकाने वाला। अब तुम जाके बोलो घर पे कि देख लो मम्मी सर आज बता रहे थे, ठीक ना, रोटी पकाने का काम शुरू से किसका था, मेल वर्ग का ही था, तुम आज से रोटी पकाना बंद करो। आई बस में, क्योंकि बेकर वर्ड जो आता है वो मेल के लिए ही आता है, केवल मेल के लिए ही, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, पहले सच में रोटियां बनाने का काम किसका हुआ करता था, केवल मेल वर्ग का हुआ करता था, ठीक है ना, केवल मेल वर्ग का ही हुआ करता था रोटियां बनाने का काम। रोटियां मेल वर्ग ही बनाते थे, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही वर्ड यूज किया जाता था। इसीलिए बेकर हमेशा हमेशा किसके लिए, लड़कों के लिए आता है। बेकर हिंदी में अर्थ होता है रोटी पकाने वाला। लेकिन ये बेकर और घर में जो मम्मी रोटी बनाती है, इन दोनों में अंतर होता है बेटा। एक्चुअली सब अमेरिकन वर्ड्स हैं, यहाँ के नहीं हैं, तो वहाँ पर बेकरी वर्ड से आया है बेकर, यानी कि जब आप शॉप खोल लेते हो या किसी होटल में चलाते हो तो उसमें जो मोटी आपकी जो उसको क्या बोलते हैं, पाव रोटी से बोलते हो, ठीक है ना, ब्रेड जो होते हो, ब्रेड के लिए ये वर्ड यूज, घर की चपाती के लिए नहीं। ये किसके लिए, घर की चपाती के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये वर्ड जो यूज हुआ है यहाँ पर, ये जो बेकरी में ब्रेड बनती है उनके लिए है, और बेकरी में बनाने वाले जो लोग होते थे ब्रेड, वो मेल ही होते थे, इसलिए ये वर्ड मैस्कुलिन जेंडर में आता है। इसके बाद आता है मर्चेंट। मर्चेंट मतलब व्यापारी। आपने एक विलियम शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ा होगा, उसका नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस के सौदागर, ठीक है ना, व्यापारी या सौदागर ये होता है। तो समझो मर्चेंट वर्ड, क्योंकि पहले मर्चेंट का काम यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पानी के द्वारा, नाव के द्वारा, ठीक ना, सामान को ले आना, ले जाना, बेचना, ठीक ना, उससे प्रॉफिट अर्न करना, ये सब का सब काम किसका था, केवल मेल वर्ग का, यानी कहने का मतलब है मैस्कुलिन जेंडर में आता था हमेशा। आए बात समय के नहीं, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे देखोगे आप तो मर्चेंट वर्ड का यूज किसके लिए, मेल के लिए किया गया, ठीक। आज भी अब तो भैया लड़कियां किसी मामले में किसी से कम तो है नहीं, बराबर आ गई हैं बिल्कुल 100%। तो मर्चेंट में लड़कियां भी काम करती हैं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, कोई मना नहीं कर सकता उनको, और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सोल्जर है सिपाही, और लॉयर, सोल्जर और लॉयर ये भी, और लॉयर ये दोनों वर्ड, सैनिक लॉयर वकील। अब सच बताऊं तो सेना में आज भी ये चीज है, अब इसको चाहे कमी बोल लो चाहे अच्छाई बोल लो, एज योर विश, ठीक है ना। सोल्जर आपके इंडियन आर्मी में भी सोल्जर जो होते हैं हमेशा कौन होते हैं, हमेशा कौन होते हैं, मेल होते हैं। सोल्जर की बात कर रहा हूं, जब हाई पोस्ट की बात आती है अधिकारी रैंक की, तो वहां पर आपको फीमेल भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत सारी जो है वैकेंसीज आती हैं जहाँ पे फीमेल को लिया जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन 95% जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, 95% जितने भी पोस्ट होते हैं, उसमें हमेशा आपको मेल दिखेंगे। तो सोल्जर, और आज भी ये रूल है, सैनिक जो लड़ते हैं युद्ध भूमि में जाकर के, वहाँ पर महिलाएं नहीं हैं, इंडिया में नहीं है, आई बात से उनकी भर्ती नहीं निकलती है, ठीक है, आई बात समझ के नहीं। तो ये मेल डोमिनेंट है सोल्जर, तो सोल्जर भी हमेशा मेल के लिए यूज किया जाता है, इसलिए वर्ड भी फेमिनाइन सॉरी मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। लॉयर है, अब तो लड़कियां बन रही हैं, धड़ल्ले से लॉयर बन रही, बहुत अच्छी वकील बन रही हैं लड़कों की अपेक्षा तो, ठीक है, मम्मी को घर में देख लिया करो, ठीक है ना, कितने बेहतरीन वकील हैं। जब कभी भी कोई मुद्दा उठाना होता है घर में, तो सबसे आगे कौन आता है, मम्मी आती हैं, और आती ही नहीं बल्कि हमेशा मुद्दे को जीतती भी हैं, ठीक ना, पापा लोग किनारे हो जाते हैं। आई बात समय के नहीं, कहने का मतलब है बहुत अच्छी वकील हैं, वकालत सच बताएं तो फीमेल बहुत अच्छी कर सकती हैं और करती भी हैं। आई पास में बहुत बड़े बड़े नाम है सुप्रीम कोर्ट में लॉयर पे महिलाओं के, ठीक, लेकिन लेकिन पहले ये काम केवल लड़के ही करते थे, मेल वर्ग से ही संबंधित था, इसलिए लॉयर वर्ड भी कहीं ना कहीं केवल केवल मेल को दिखाता है, इसलिए ये भी मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। मैंने सबको डिटेल में बता दिया ऐसा क्यों होता था, ये सोसाइटी के कारण हुआ था कि ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा आपके मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। चलिए रूल नंबर 7 में आ जाइए, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए कुछ वर्ड्स देखें क्या इसके हम लोग, चलो फिलहाल
चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 7 क्या बोलता है, लिखिए, ईच एवरी आइदर नाइदर ईच एवरी आइदर नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव, या डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव क्या होते हैं ये एजेक्टिव में पढ़ेंगे, बस इतना ही जान लो कि दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव्स, ठीक है ना। दीज आर द प्रोनाउन ऑफ कॉमन जेंडर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं और प्रोनाउन भी हैं। प्रोनाउन भी लिख लीजिएगा, प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में आते हैं। ईच एवरी आइदर नाइदर बस लिखने में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो दीज आर द प्रोनाउन ऑफ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के प्रोनाउन होते हैं, याद रखिएगा हमेशा ये किसके होते हैं, कॉमन जेंडर के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। बट फॉर इट वी यूज सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, समझाता हूँ मैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ही हिम हिज हिमसेल्फ। तो देख लो बच्चों, ठीक है ना, ये देखो ध्यान से, ईच एवरी आइदर नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव एंड प्रोनाउन। दीज आर द प्रोनाउन ऑफ कॉमन जेंडर, बट फॉर इट वी यूज सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, ही हिम हिज और हिमसेल्फ। ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है ना। ये जिसके समझ में आए वो ठीक है, जिसके नहीं समझ में आए बस सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक समझ ले बच्चों। ईच एवरी आइदर और नाइदर, ईच एवरी आइदर और नाइदर के लिए आप हमेशा यूज करोगे ही हिम हिज और हिमसेल्फ, बस बात खत्म। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर रूल में बता दिया गया है कि इसको क्या कहते हैं और क्यों इसके लिए ये यूज होता है, आए बात समझ नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना लिखना है कि ईच एवरी आइदर और नाइदर के साथ हमेशा आप ही हिम हिज और हिमसेल्फ का यूज करोगे और कोई वर्ड यूज नहीं करोगे। यदि आपको क्लियर नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल, यदि आपको क्लियर नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल, तो हमेशा मैस्कुलिन यूज करोगे, यानी हिम हिज और हिमसेल्फ यूज करोगे। लेकिन यदि ये सेंटेंस क्लियर कर देता है कि नहीं भैया ये फीमेल ही है, तब फिर आप शी हर हर और हर सेल्फ का यूज कर दोगे। क्लियर होगी बात कि नहीं। ज़्यादा नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है इन वर्ड्स के लिए इनका यूज करोगे। यदि क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, यदि क्लियर हो जाता है तो उस कंडीशन में आप फिर शी हर हर और हर सेल्फ का यूज कर दोगे। चलो अब एक सेंटेंस डायरेक्ट लिखिए और बताइए सही गलत है। every student should do its
ड्यूटी, चलो बताओ सही है कि गलत है, पहला सेंटेंस। दूसरा देखो, ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड इट्स वर्क। ईच, जल्दी बताओ बच्चों, ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड, ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड इट्स वर्क। हम में से प्रत्येक ने अपना काम पूरा कर लिया। नाइदर ऑफ देम हैज डन इट्स ड्यूटी। नाइदर ऑफ देम हैज डन इट्स ड्यूटी, हैज Neither of them has done its duty. चलो जल्दी बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है, क्विक आंसर आना चाहिए बच्चा पार्टी। वेरी गुड, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। देखो इधर, हाँ, और जिनका जिनका इनाम बचा हुआ है गिन के बता दो पहले कितने कितने का बचा हुआ है, ठीक ना। 101 का इनाम एक तो था, 51 का एक था, 1 किलो लड्डू था, ठीक है। सब कुछ लिख के बता देना, फिर उसको हम अलग से निपटेंगे आपके साथ मिलके। चलिए देखिए इधर, तो यहाँ पे था कि इसके लिए हमेशा इनका यूज करना है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है, ठीक है ना। एवरी के लिए क्या यहाँ पर इट हुआ, इनमें से किसी का यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए बच्चा पार्टी। ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर नाइदर ऑफ देम हैज डन हिज ड्यूटी होना चाहिए। आई बात समझ में नहीं, ये सेंटेंसेस आते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस में है, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चंस फंसते हैं, चलो आगे चलते हैं। रूल नंबर 8 में क्लियर हो गया बात कि नहीं। रूल नंबर 8 में आइए, करत करत अभ्यास ते जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। कहावत सुनी होगी आपने, यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते हो, केवल प्रैक्टिस करते हो, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो केवल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यार, केवल प्रैक्टिस आपको परफेक्ट कर देती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, केवल लगातार अगेन एंड अगेन चीज़ों को रिवीजन करते रहना होता है, प्रैक्टिस करते रहना होता है। अब जैसे अभी तक मैंने बहुत सारे रूल्स आपको लिखवा दिए, मुझको तो लग रहा है 100 के ऊपर रूल्स हो गए होंगे अभी तक, ठीक ना, 100 के ऊपर रूल्स, लेकिन क्या आपको लगता है ये रूल्स आपको हमेशा याद रहेंगे? बिल्कुल नहीं याद रहेंगे, तो फिर कैसे होगा कसर काम? रिवीजन बेटा, बार बार सेंटेंसेस को रिवीजन में लाया करो, रूल्स को रिवीजन में लाया करो, हमेशा याद रहेगा। आई बात समझ में नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ है, अब तो देखो बहुत चीज़ें अलग हो रही हैं, मैं सच बता रहा हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी बेरोजगारी है, मैं बता दूं कि गवर्नमेंट करे तो क्या करे, और सबको चाहिए गवर्नमेंट जॉब ही, प्रॉब्लम तो इस बात की है, ठीक ना। कोई प्राइवेट सेक्टर में रहना ही नहीं चाहता, ठीक ना, उनके पास गट्स ही नहीं है, उनको बस नौकरी मिल जाए गवर्नमेंट की तो वहीं पर जा करके काम करेंगे, सैलरी लेंगे, क्योंकि खुद का कुछ है ही नहीं कि खुद कुछ अच्छा सा कर सकते हैं, दुनिया चेंज कर सकते हैं, समाज के लिए थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, नहीं। ज़्यादातर का यही मानना है भैया, एक सरकारी नौकरी लग जाए, जाएँ सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे तक घर चले आएँ, एक सैलरी बंधी बधाई मिल जाए, खेल ख़त्म। तो चलो ठीक है, मुबारक है आपको आपकी सोच, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको मैं गलत भी नहीं कहूँगा, सबकी अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग पसंद होती है, ठीक है, तो बुरा नहीं है ये। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूथ यही चाहता है कि सबको गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल, लेकिन नहीं, ये भाई इतनी जॉब निकल ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपके एग्ज़ाम का लेवल हाई कर रही है जिससे आपको छांटा जा सके, आपको जल्दी जल्दी निकाला जा सके। इसीलिए पहले TET आया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केवल और केवल एक क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाई करना है, जो जनरल है वो 90 लगभग ला लें और वो क्वालिफाई हो जाएगा, केवल क्वालिफाइंग है, जोड़ता नहीं है ये। इसके बाद TET का ही सेकेंड पार्ट,
इसको लोग अक्सर कहते हैं सुपर टेट। ये सुपर टेट जैसा वर्ड कोई नहीं लिखा है गवर्नमेंट के किसी भी डिक्शनरी में, ठीक है ना। वो केवल कहते हैं टेट का सेकंड पेपर, आई बात समझ के नहीं, लेकिन लोग उसको सुपर टेट कोचिंगों वाले उसको उठा दिए, जो भी अगर आप समझते हो। तो ये जो सुपर टेट जिसको कहा जाता है, ये सेकंड पेपर होता है टेट के बाद। इसके मार्क्स आपके जोड़े जाते हैं, इसके मार्क्स हाई स्कूल के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, बीएड या फिर बीटीसी के मार्क्स, ठीक ना, डीएलएड के मार्क्स, ये सब जोड़ करके एक मिनट बनती है, तब जा करके आपका चयन होता है किसमें, बेसिक शिक्षा परिषद में। आई बात समझ में नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि लगातार एग्ज़ाम को क्या किया जा रहा है, टफ बनाया जा रहा है। पहले ज़्यादातर टीईटी से जो क्वेश्चंस आते थे वो लिटरेचर से आते थे। आई बात समझ में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो इन सब से बनते थे, आई बात समझ। लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चों, अब क्या लैंग्वेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज ज़्यादा टफ होती है, तो लैंग्वेज से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जिससे बच्चे फंस जाएं। आए बस में, तो आप लगभग अभी 100 यदि आप रूल्स पढ़ चुके तो 100 रूल कोई एक उठा पूछ लेगा। अगर आपको याद है, आपने सही से पढ़ा है, तो आप तो सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। जो बच्चे एसएससी कर देने वाले हैं पेपर आगे चल के वनडे एग्जाम्स में, अब आ गया है पीईटी, ठीक ना, और उत्तर प्रदेश ने उसको लागू भी कर दिया है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले पीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, एक क्वालिफाइंग नेचर का, इसके मार्क्स जोड़ने नहीं जाएंगे, जैसे टीटी, ठीक है ना। तो क्वालिफाइंग नेचर है, पहले इसको निकालो भैया, फिर इसके बाद इसके मार्क्स, अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो तो इसके मार्क्स को दिखा करके आप किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भर पाओगे, अदरवाइज नहीं भर पाओगे यदि पीटी आपका नहीं निकला है। तो ये क्यों किया जा रहा है, जिससे आपको छांटा जा सके, ज़्यादातर कैंडिडेट्स को पहले ही बाहर कर दिया जा सके। तो मैं बताऊँ, भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है, अपने पीछे मुड़ को देखोगे तो इतनी भीड़ है, हम क्या बताएं, आए बात समझ नहीं। इसलिए उनसे फाइट करने के लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा, ठीक है। बैठे बैठे कोई काम नहीं होने वाला है, रात की नींद आपको खोनी पड़ेगी, दिन का चैन खोना पड़ेगा, तब जाके आप जो पा चाहते हो वो आपको हासिल होगा। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं रूल नंबर 8। क्लियर बात की नहीं है, मन लगा करके पढ़ो। कुछ बच्चे तो भाई मुझको इतना अच्छा लगता है, इतना डेडिकेटेड है वो, प्राउड ऑफ यू बच्चों, प्राउड ऑफ यू, भगवान करे खूब जल्दी तुम्हारा सिलेक्शन लग जाए, ठीक ना। कुछ बच्चे बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, नोट्स बकायदे बन रही है उनकी। चलिए रूल नंबर 8 की बात करें हम। रूल नंबर 8 क्या कहता है, जस्ट थोड़ा सा अलग है। एवरीवन समवन, इसको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लिखाऊंगा, इसमें सीधे लिखा दूंगा मैं कि एवरीवन समवन एनीवन नो वन, एवरीवन समवन नो वन एनीवन एवरीबडी समबडी एनीबडी नोबडी एवरीबडी समबडी नोबडी एनीबडी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखो तुम इज इक्वल टू, अगर कुछ ना समझ में आए तो मैस्कुलिन जेंडर, ही हिम हिज, ही हिम हिज और हिमसेल्फ, ठीक है, ही हिम हिज और हिमसेल्फ। लेकिन यदि फिर वही कंडीशन है, यदि इससे पता चल जाता है कि फीमेल सेक्स है, ठीक ना, आए बात समझ नहीं, फीमेल जेंडर में आ रहा है, तो वहाँ पर आप फिर शी हर हर का यूज कर दोगे। क्लियर बात की नहीं, शी हर हर का यूज। तो आप लोग ऐसा क्या करना, यहाँ पे नोट में लिख लेना, आप लोग नोट में अपने से लिख लेना कि यदि फीमेल सेक्स का पता चल जाता है तो वहाँ पर फिर उस कंडीशन में आप ही हिम हिज और हिमसेल्फ का यूज नहीं करोगे, वहाँ पर शी हर हर यानी कि जो फीमेल प्रोनाउन होगा उसको यूज करोगे, फेमिनाइन में प्रोनाउन में जो आएगा उसको यूज करोगे। क्लियर होगी बात की, लेकिन यदि पता नहीं चलता है तो आप हमेशा इसी का यूज करोगे। क्लियर होगी बात की नहीं होगी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला है रूल नंबर, इसका एक सेंटेंस लिख देता हूं जिससे आप कर लो अच्छे तरीके से। एवरीवन शुड माइंड इट्स बिजनेस, एवरीवन शुड एवरीवन शुड माइंड इट्स
बिजनेस सभी को अपना काम करना चाहिए, दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। और यहाँ पर ज़्यादातर जो है लोगों की जो टांगें हैं वो हमारे फटे में ही अड़ जाती हैं, खुद का नहीं देखेंगे कि खुद किस अवस्था में है। ये तुमको बोलने के लिए ज़रूर चले आएंगे नसीहत देने के लिए, इस तरह के लोगों को पहले ही इग्नोर कर दिया करो। आई बात समय का नहीं, ये सब आते और जाते रहते हैं, वो कीड़े मकोड़ों की तरह, इनको ज़्यादा भाव नहीं देना। अगर भाव देखो तो इनके भाव भी बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी सेंटेंस बहुत बढ़िया बोला है, एवरी वन शुड माइंड इट्स बिजनेस, प्रत्येक व्यक्ति को अपना खुद का काम करना चाहिए, दूसरे के फटे में टांग नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब ये सही है कि गलत है सेंटेंस, जल्दी बताओ। वेट किस बात का कर रहे हो? नो वन शुड ट्रबल इट्स नेबर। ये लो, ये तो बढ़िया बढ़िया दे रहा सेंटेंस है यार। नो सो एक सेकेंड, मैं नो वन शुड ट्रबल्स ट्रबल इट्स नेबर, किसी को अपने नेबर को परेशान नहीं करना चाहिए। वो तेरी की नेबर परेशानी करने के लिए तो होते हैं, आई बात सुन, वो हमें परेशान करते हैं, हम बख्श देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है भैया, ऐसा नहीं है। देख रहा, तुम्हारे यहाँ दाल में छौंका लगा है तुम्हें नहीं पता चलेगा, बगल वाला बता देगा कि आज देखो दाल में छौंका लगा के लोग खा रहे हैं। आई बात सुन, खुद खा रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे खा लिए यार, ये किसकी फितरत होती है। तुमसे ज़्यादा तुमको जानने वाला बेचारा अपना नेबर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया नो वन शुड ट्रबल इट्स नेबर। आए बात समय के नहीं, ये सेंटेंसेस सही है कि गलत है, जल्दी बताओ, ग्रामेटिकली सही है कि गलत है बच्चों? ये दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली बहुत बढ़िया है, आंसर तो आ ही चुका है। ठीक ना, दोनों के दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली गलत हैं। आए बात समय के नहीं, जब हमको पता नहीं है सेक्स के बारे में यहाँ पर कि कौन सा सेक्स है, मेल है कि फीमेल है, तो इस कंडीशन में हमेशा हमको क्या लगा देना चाहिए, फेमिनाइन जेंडर के जितने भी प्रोनाउन लगाने चाहिए। तो एवरी वन शुड माइंड हिज बिजनेस, और यहाँ पर भी हिज का यूज होगा, हिज नेबर। चलो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे याद रहे हम इस आपको, रोल नंबर 9 में आ जाइए, शॉर्ट ट्रिक बता देंगे जिससे याद रहे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कॉपी के कोने में ट्रिक लिख लीजिएगा। क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हो गए आपको याद करने में प्रॉब्लम आएगी। चलिए रूल नंबर 9 में देखो, एक्चुअली है क्या 9 में, 9 ही है ना रूल नंबर 9 क्या कहता है, सुनो मेरे बात ध्यान से। यदि किसी भी वर्ड में एवरीथिंग समथिंग एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग समथिंग एवरीथिंग समथिंग नथिंग ठीक है एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग थिंग आता है, तो इसके लिए हमेशा इज इक्वल टू करके लिख लो इट इट और इट्स। ठीक है, और इट्सेल्फ भी होता है इट्सेल्फ, इसका यूज करते हैं बच्चों। यदि किसी भी सेंटेंस में एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग समथिंग क्या क्या एवरीथिंग समथिंग नथिंग और एवरीथिंग समथिंग नथिंग और एनीथिंग इतने आ जाएं, तो इनके लिए हमेशा आप इट इट इट्स और इटसेल्फ का यूज करते हो। इट इट इट्स और इटसेल्फ, यहां पे आप बोलोगे इट इट दो बार क्यों लिखे, तो बेटा ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों में दिखते सेम है लेकिन यूजेस अलग है। तो इट इट इट्स और इटसेल्फ, आई बात समझ में नहीं, ये हमेशा याद रखिए यूज किया जाता है एवरीथिंग समथिंग नथिंग और एनीथिंग के साथ। क्लियर हुई बात की नहीं? हाँ, यहां पे आपको फीमेल और मेल नहीं पता चलेगा, हमेशा अगर ये आया तो सर ये यूज करोगे। जैसे सेंटेंस लिखो, एवरीथिंग शुड बी केप्ट
इन हिज ऑर्डर, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन हिज ऑर्डर। जल्दी बताओ क्या गलत है, तुरंत आंसर आना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन हिज ऑर्डर। बच्चा पार्टी बताओ, हाँ बहुत बढ़िया, पकड़ लिए, तुरंत पकड़ लिए, यहां पे होगा तो एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर, इट्स ऑर्डर। हाँ बच्चों एक चीज यहां पे मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, यदि कभी भी आपको इट्स ऐसे दिखे, देखो ध्यान से, यानी एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं कर रहे, तो ये इट्स है, ये पजेसिव केस में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी भी इट और एपोस्ट्रॉफी दिख जाए तो इसका मतलब होता है इट इज, इन दोनों में बहुत अंतर है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे ये वाला है ना कि ये वाला, ठीक है, चलो क्लियर हो गई बात कि नहीं, जल्दी बताइए। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ का शॉर्ट ट्रिक ऑफ सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ। तो लिख लो एस टी, एस टी, एस टी ऑफ सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ। चलो देखो, जिनमें वन ईच आइदर, वन ईच आइदर, जिसके जिस वर्ड के लास्ट में वन आएगा, सॉरी पहले आएगा वन, आए बात समय की नहीं, या फिर ईच और आइदर वाले जितने भी वर्ड होंगे इनके लिए हमेशा आप मैस्कुलिन जेंडर का यूज करोगे। जिन वर्ड्स के लास्ट में थिंग आएगा, क्योंकि थिंग का मतलब ही होता है वस्तु या चीज, और वस्तु और चीजें जो भी होती हैं वो निर्जीव होती हैं, चाहे वो कुर्सी हो, मेज हो, टेबल हो, तो जब चीजें हैं निर्जीव हैं तो इनके लिए हम सजीव का कोई भी यूज नहीं करेंगे, इसलिए न्यूट्रल जेंडर में, न्यूट्रल जेंडर आता है। जब ये न्यूट्रल जेंडर में आएगा तो इसके लिए इट का फॉर्म चलेगा, इट, इट्स, ठीक ना, इटसेल्फ। और जब ये वन है, वन मतलब इंसानों के लिए यूज किया जाता है, और ईच आइदर दोनों भी यहां पे आ जाएंगे, इसके लिए ही हिम हिज, बस इतना याद कर लो, कहानी खत्म। वन ईच आइदर, वन ईच आइदर इज इक्वल टू ही हिम हिज, और केवल थिंग्स, थिंग्स के लिए इट इट इटसेल्फ, कहानी खत्म हो गई। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, अब मिलेंगे हम लोग कल रूल नंबर 10 के साथ, ठीक, रूल नंबर 10 के साथ। रिवीजन खूब करते रहिए, यदि किसी तरह की समस्या होती है तो आप बताइए, कमेंट करिए, आए बात समय के नहीं, फिर हम उसको देखेंगे और उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको हम देंगे। कल होगा संडे, कल चलनी है प्रैक्टिस बैच, ठीक है ना, लाइव रहेंगे बिल्कुल आपके साथ, और आपके क्वेश्चन हमारे आंसर, हमारे क्वेश्चन आपके आंसर होने वाले हैं, आई बात समझ नहीं, तो उस कंडीशन में आप लोग कमर कस लीजिए, और उसके लिए करना क्या है, इंट्रोडक्शन वाला नाउन और नंबर वाला नाउन, ये पूरा का पूरा रिवीजन करके ही आना है, ठीक है, तब क्लास आप झेल पाओगे, नहीं झेल नहीं पाओगे। क्लियर हुई बात कि नहीं, टाइमिंग क्या होगी वो सब का सब आपके टेलीग्राम चैनल में अपडेशन मिल जाएगी। तो जो बच्चे दरेज इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें, ठीक ना, जाएं दरेज, आप जाइए टेलीग्राम ऐप में, ठीक ना, नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें दरेज इंस्टीट्यूट सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड नाइट, ठीक है ना, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।